90,000 रुपये के मतलब इसके अंदर एसएसडी लग चुकी है भाई। वो भाई भी कंफ्यूज हो गए S5 और S3 में। गाड़ी मस्त बना दी वैसे, S3 ना लग नहीं रही ना, S3 है। अच्छा, हाँ, लग नहीं रही। हेलो भाई, मेरा नाम है मंगेशवाल। अभी आपके सामने जो खड़ी है भाई, ये है स्कॉर्पियो S3 प्लस। जो आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ा है भाई, बिल्कुल सही है, ये स्कॉर्पियो S3 प्लस ही है। और इसकी डिलीवरी आज मैं आ रखा हूँ महिंद्रा कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स के अंदर। और भाई यहाँ पे आप देखोगे बंदे यहाँ पे सब देख रहे हैं, सबको किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि S3 प्लस है। बिकॉज भाई इसके जो साइड के बम्पर वगैरह है ना, ये पूरे ब्लैकआउट में आते हैं। साइड की जो बिल्डिंग वगैरह है ना इसकी, जहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ, पूरा का पूरा ये ब्लैक में आता है। बाकी ऊपर जो बॉडी कलर है वो तो रहते ही रहता है साथ में आपका, चाहे व्हाइट लें चाहे ब्लैक लें, कुछ भी लें, है ना। साथ में फ्रंट में लुक जो आ रहा है ना, ये आपका DRLs हो गए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैलोजन, नीचे आपका फॉग लैंप है, ये भी भाई पूरे एक एसेसरीज का पार्ट है। फ्रंट की जो ग्रिल है जो कि आपका अंदर डी क्रोम में क्रोम इंसर्ट कर रखा है आपका, पूरी मैट ब्लैक फिनिश की आपके उसके अंदर ग्रिल मिलती है। देखने में तो पूरी ऐसा लग रहा है टॉप मॉडल खड़ा हो, लेकिन ये सब कुछ इसके अंदर एसेसरीज लगी हुई है। क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ती है बिल्कुल एंड में बता दूंगा आपको। साइड में जो इसका बिल्कुल जो साइड पैनल्स हैं, ये भाई इसके पूरे पेंट करे गए हैं पूरे के पूरे, यहाँ पे आप देखोगे। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये S3 प्लस ही है, आपको रियर से दिखाया था एक बार। यहाँ पे आप देखोगे स्कॉर्पियो S3 प्लस, नीचे माइक्रो हाइब्रिड की यहाँ पे लग रखी है, पीछे आपको डी टेल लाइट मिल जाती है आपको LEDs के अंदर। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग दे रखी है, साथ में इसके अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल से भाई स्कॉर्पियो क्रेज ना बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला कभी भी। और अब सबको पता है कि नई स्कॉर्पियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसके बाद भी भाई ये वाली जो गाड़ी है इतनी ज़्यादा बिक्री, इतनी ज़्यादा बिक्री है क्या बताऊँ। चलो इसका रिव्यू करता हूँ पूरा का पूरा, आपको इसके अंदर दिखाता हूँ वीडियो के अंदर क्या क्या कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट से बात करें तो यह है स्कॉर्पियो S3 प्लस की फ्रंट लुक, जिसके अंदर आपको यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल जो है टॉप मॉडल वाली लगा दी गई है, क्रोम इंसर्ट में हो गया है, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है आपका। ये जो आपका हिस्सा दे रखा है पूरा मैट ब्लैक फिनिश के अंदर, जो कि इसके अंदर हनी क्रोम डिज़ाइन आपको इसके अंदर दिया हुआ है। ये आपका ये है कि इसके अंदर जो कूलिंग वगैरह हो जाएगी गाड़ी की। साथ में इसके अंदर दे रखा है आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद आपके DRLs, ठीक है, जिसके एकदम डे टाइम रेड लाइट, नीचे आपको टर्न इंडिकेटर, नीचे फॉग लैंप, फॉग लैंप के ऊपर भी आपको क्रोम लगा रखा पूरा का पूरा। जो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी को जो है ये अपना लगा रहे हैं अभी आराम से, MRF का टायर दे रखे हैं कार के अंदर। साथ में इसके अंदर भाई एलॉय व्हील्स तो आपको मिलेंगे नहीं, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, लेकिन जो ये गाड़ी ले रहे हैं उन्होंने नहीं लगवाए हैं एलॉय व्हील्स। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टायर साइज की भी आपको बता देता हूँ, तो इसके अंदर जो टायर दिया गया है ना वो है 235x65 और 17 इंच के स्टील रिम है, और ऊपर व्हील कैप्स लगा रखे हैं। साथ में आपको फेंटर के ऊपर टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, और ये पूरा पैटर्न आपको हनीक्रोम डिज़ाइन का दे रखा है। साथ में बॉडी कलर आपको वारियम्स दे रखे हैं, जो कि डुअल टोन में, नीचे मैट ब्लैक फिनिश और ऊपर आपका बॉडी कलर। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है वो एज इट इज़ रखी गई है, जो कि आपके पूरा आपका सिल्वर फिनिश के अंदर आती है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं आपके। साथ में एक बार इसके रियर लुकिंग से अगर आप बात करोगे तो लिव यंग लिव फ्री आपको महिंद्रा की टैगलाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप पीछे का जो है पूरा क्रोम में दे रखा है, यहाँ महिंद्रा के लोगो है, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, S3 प्लस की ब्रांडिंग, माइक्रो हाइब्रिड की, पीछे दो सेंसर्स दे रखे हैं। ये आपका जगह है फुट रेस्ट और बिल्कुल रबड़ वाला है ताकि आपके पैर वगैरह फिसले ना, पीछे रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं आपको। साथ ही में यहाँ पे दे रखा है आपको एक टोइंग हुक, और जो बूट का जो डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिफॉगर वगैरह नहीं मिलेंगे इसके अंदर, रियर वाइपर मिलेगा, वो चाहो तो आप भी वो भी लगवा सकते हो कंपनी से। साथ ही में यह है रियर सीटिंग्स इसकी, जो कि एज इट इज़ है बिल्कुल सेम ऐसी आती हैं, ये नहीं आते। अच्छा, हेड रेस्ट आते ही नहीं है भाई, शायद टॉप मॉडल में भी नहीं आते इसके। कुछ यहाँ इसके पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, एसेसरीज रखी हुई है इसकी, हेडलाइट। अच्छा अच्छा, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट जो लगी है फ्रंट की, वही है रियर की टेल लाइट्स आपकी डी कट में, जो कि LEDs के अंदर है। स्कॉर्पियो की यहाँ पर ब्रांडिंग हो रखी है, साथ में यहाँ पे वाई वॉशर भी लगा दिया आपका, है ना, लेकिन रियर वाइपर क्यों नहीं लगाया ये मुझे नहीं पता। बाकी वह की और दिखा दो, की दिखाना है इसकी भाई, ये ऐसी की S3 प्लस की, जिसके अंदर आपको कोई भी कंट्रोल वगैरह एज इट इन मिलते नहीं है। आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो, लेकिन जो जो भाई कस्टमर बोलेंगे वही तो लगा के देंगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर वो तो लगा ही नहीं है। बाकी यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, ये आपको देखो पूरा S3 का इंटीरियर है। अब भाई बाहर बोलोगे, बाहर क्या पता लिख दिया हो, तो आप इंटीरियर भी इसका चेकआउट कर सकते हो पूरा का पूरा, जो कि आपका ब्लैक और बेज कलर के अंदर, बेज नहीं थोड़ा आप बोलोगे तो सिल्वर कलर के अंदर है, सिल्वर गन मेटल फिनिशिंग में है। बाकी भाई इसके इंटीरियर के अंदर चलते हैं एक बार, तो यहाँ से आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फ्रंट के हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, एवं इंटीरियर में बैठते हैं इसके। तो इसकी ना डिलीवरी है गाड़ी की वैसे, और क्या पता जब तक डिलीवरी हो मैं ना रुकूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो थोड़ा काम से आया था अपने यहाँ पे, तो मैं कहा एक गाड़ी खड़ी है चलो उसकी वीडियो बना लेते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या आप S3 प्लस लेने के बाद आप उसके अंदर चेंजेस करा सकते हो। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, ये स्टेयरिंग है इसका पूरा का पूरा, हॉर्न सुनोगे तो वही स्कॉर्पियो वाला हॉर्न इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट
और टेलीस्कोपिक नहीं हो सकता भाई इसके अंदर। बाकी लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर का कंट्रोल दे रखा है, राइट हैंड साइड आपके लाइट्स और टर्न इंडिकेटर से कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक की और लगा लेता हूँ इसकी। तो भाई मीटर तो आपको S3+ वाला ही मिलता है मेरे ख्याल से, S3+ वाला ही आपको उसके अंदर मीटर दिया गया है। ये इसका मीटर है, AC बंद कर देते हैं इसका। राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, लेफ्ट हैंड साइड आपका टैकोमीटर दे रखा है, बीच में MID दे रखी है छोटी सी, ट्रिप A ट्रिप B यहाँ से आप सेट कर सकते हो, यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B, और यहाँ से अपना जीरो कर सकते हो उसको प्रेस करके ऐसे ऐसे। 130 किलोमीटर गाड़ी चली हुई दिखा रही है बस। तो यार देखो 130.9 किलोमीटर, बाकी मैंने आपको ट्रिप जीरो इसका मैंने कर दिया था आपको दिखाने के लिए। यहाँ फ्यूल का इंडिकेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर का आपको इंडिकेशन दे रखा है, ये आपके ORM से यहाँ से आप सेट कर सकते हो अपने हाथ से। तो मैनुअली सेट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी आपके सनसेट दे रखे हैं दोनों ही तरफ, वैनिटी मिरर का आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ में ये आपका भाई 5 गियर आते हैं इसके अंदर आपके S3+ के अंदर, लेकिन अगर आप उसके अगर अपर वेरिएंट में जाओगे तो उसके अंदर 6 गियर रहेंगे, रिवर्स का 7 गियर आते हैं। यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट चार्जर दे रखा है। मिरर सिस्टम अभी इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, आप चाहो तो ऑटो मार्केट लगा सकते हो। मैनुअली AC कंट्रोल मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे AC लो AC हाई, बाकी आपके हजार्ड लाइट का ऑप्शन दे रखा है ऑन करने का। यहाँ पे आपको भाई रबर ग्रिप मिल जाती है मोबाइल वगैरह होल्ड करने के लिए, ये भी आपको रबर ग्रिप रख रखी है, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हो इजीली। ये आपका हैंड ब्रेक है, चारों पावर विंडो का ऑप्शन आपको मिड में मिल जाते हैं, मिड कंसोल क्लोज करने के लिए, मतलब अगर चाइल्ड सेफ्टी लॉक है एक तरीके से, यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाएगी। ये रियर की AC वेंट है मिड के अंदर। बाकी SRS एयरबैग की ब्रांडिंग कर रखी है, 2 एयरबैग इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स का स्पेसिंग, वहाँ स्कॉर्पियो की आपको ब्रांडिंग कर रखी है, यहाँ पे भी एयरबैग की ब्रांडिंग है। ये वैनिटी मिरर की रियर व्यू मिरर की बात करोगे तो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, इस टाइप से सेट कर सकते हो। मिड में लाइट आ जाती है इसके फुल टॉप मॉडल के अंदर, यहाँ पे इसमें लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, रियर में और चलते हैं इसके। बाकी यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोलर, यहाँ से फ्यूल लीड ओपन करने का ऑप्शन दे रखा है आपको। साथ ही में ना यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो आजकल 10 अगर आप किसी रेड लाइट पर रुकते हो ना तो भाई 10 सेकंड में गाड़ी आपकी ऑफ हो जाती है, और क्लच दबाओगे तो स्टार्ट हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको दे रखे तीनों पैडल, ये आपका ब्रेक है, ये क्लच है, यहाँ पे आपको रेस दे रखी है भाई। की वगैरह तो मैं आपको उसको दिखा ही चुका हूँ। साथ ही में रियर सीटिंग टॉप बोलते हैं, तो रियर के अंदर मैंने जो सीट है ना पूरी पीछे कर रखी है, आगे ड्राइवर साइड वाली ना पूरी पीछे कर रखी है। रियर डोर पे आपको कोई भी पावर विंडो डाउन करने का शिफ्ट नहीं है, वो सिर्फ मिड में ही मिलते हैं आपको S3 के अंदर। ये आपका डोर ओपनर दे रखा है, ये मिड का है भाई, यहाँ पे मिड का जो हेड रेस्ट है वो भी आपका एडजस्टेबल मिल जाता है। और हेड रेस्ट का भाई साइज़ देखो एक बार, ये देखना पूरा का पूरा 1.5 इंच का है, मतलब मेरा हाथ जो पूरा 1.5 इंच के अंदर आ रहा है। बाकी यहाँ पे आप उसके सीटिंग्स देखो, आपकी थाई सपोर्ट, और गाड़ी ऊंची बहुत है स्कॉर्पियो में यार, बैठने का मज़ा ही अलग है सही बताऊँ तो। अभी देखना पूरी सीट जो मैंने पीछे कर रखी है इसकी, उसके बाद भी देखो। बिल्ड क्वालिटी में अगर आप बात करोगे तो उसकी तो खैर मैं बोलूँगा नहीं, अब छोड़ो बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बाकी ये फ्रंट रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स दे रखे हैं, ये आपके 2 कप होल्डर दे रखे हैं। बाकी साइड में कोई आपके AC वेंट्स वगैरह आते नहीं है। मिड में एक लाइट दे रखी है आपको एरी, जो कि आपके डोर्स के साथ ओपन हो जाती है, और आप चाहो तो मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये आपके दे रखे हैं ग्रैब हैंडल। बाकी अगर आप इसकी S3+ की बात करते हो एसेसरीज की, भाई तो एसेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ क्या क्या इसके अंदर एसेसरीज वगैरह लगी हुई हैं। टॉप मॉडल के हेडलैम्प लग गए हैं, बाकी जो इसके रियर की जो टेल लाइट्स हैं वो भी टॉप मॉडल वाली ही आती हैं इसके अंदर। आपको इसके बाद इंजन और चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ से खुलेगा भाई आपका इंजन का फ्रंट का बोनट खुल गया देखें। और इसके अंदर ना एक बहुत बढ़िया फीचर आता है, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा का पूरा, है ना। अब देखो XUV 700 इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दिया गया है स्कॉर्पियो के अंदर। ये देखो मैं छोड़ दूंगा अपने आप उठ जाएगी। M-Honk का इंजन आता है डीजल इंजन इसके अंदर, यह महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन। और भाई कहीं से लग रहा है, ये कहीं से लग रहा है ऐसे कि बिल्ड क्वालिटी में ऐसे हो गया, लगती नहीं है यार गाड़ी, है ना, बिल्कुल ऐसा लगती है फुल मजबूती वाली गाड़ी लगती है फुल। और आज भी इसका क्रेज़ भाई कम नहीं हुआ है, और बढ़ते ही चला जा रहा है, दिन रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे बच्चे जवान होते जा रहे हैं, जैसे हम जवान होते जा रहे हैं, तो हमारे भी इस पर दिल बहुत ज़्यादा आता है, अब भी आता है। अब जो नई स्कॉर्पियो आएगी उसको देखते हैं, तो भाई उसका देखते हैं वो कैसी में आती है। लेकिन भाई ये तो दिल से बिल्कुल नहीं जाने वाली, ऊपर रूफ रेल्स भी लगी हुई हैं आप देखोगे तो। S3+ में रूफ रेल्स नहीं आती हैं वैसे तो, ये पियानो ब्लैक फिनिश के और मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। 90,000 रुपये के मतलब इसके अंदर ऐसे ही लग चुकी हैं, पेंट वगैरह इसकी रैक है, स्पॉइलर है, हाँ फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट वगैरह भी है, हाँ तो 90,000 रुपये का सब कुछ पड़ गया ये कंपनी से, है ना। ठीक है भाई, तो बाकी वैसे ऑन रोड कितने की S3+15 लाख की, और S5 कितने की पड़ती है इस टाइम? 16 लाख रुपये की। अच्छा भाई, वो भाई भी कंफ्यूज हो गए S5 और S3 में। गाड़ी मस्त बना दी वैसे S3 ना, लग नहीं रही ना S3 है ये।
अच्छा लग नहीं रही S3. नहीं तो एस थ्री में तो पूरे ये पूरे ब्लैक आते हैं ना, ये पूरे ब्लैक से बम्पर भी ऐसे बाकी भाई इसका साफ सफाई वगैरह चल रही है। यहाँ पे एमोन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, T1.2.0 का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये है भाई स्कॉर्पियो S3 प्लस, और कोई कह दे तो बताना भाई एक बार। बाकी अब मैं आपको मैंने बता दिया 15 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है, उसके ऊपर अभी 90,000 रुपये तो इसके अंदर लग चुके हैं। आपके हेडलैम्प टॉप मॉडल के आपका हेडलैम्प डाल रखे हैं, फ्रंट ग्रिल है, साइड पेंटेड है, बम्पर वगैरह पूरे के पूरे। बाकी आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो आप सभी का देखना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।